दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंडियन की जिनके लिए बुड्ढे जवान हो रहे हैं, लड़के अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और लड़कियां तो मानो रास्ते पे चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हितेश भाई आई लव यू मेरी जान आई लव यू। जी हाँ दोस्तों, हितेश भाई एक टेक्निकल दोस्त। आई एम बैक। जब हितेश का जन्म हुआ तब उसके पापा ने उससे कहा, तो आ गए आप, कैसे हो? और हितेश ने बड़े ही प्यार से उसे जवाब दिया। जब डॉक्टर ने हितेश की बॉडी का डायग्नोस किया तब डॉक्टर को पता चला कि हितेश के पास तो छोटा दिमाग ही नहीं है, पर हितेश को इस बात का जरा सा भी गम नहीं था क्योंकि गम करने के लिए हितेश के पास छोटा दिमाग ही नहीं था। पर यह सुनकर उसके पापा बहुत दुखी हुए। खैर समय बीता, अब हितेश स्कूल जाने लगा। थोड़ा और समय बीता, अब हितेश हाई स्कूल जाने लगा। थोड़ा और से और समय बीता, अब हितेश कॉलेज जाने लगा। और कॉलेज में आते ही एक लड़की से उसे प्यार हो गया और उस लड़की को डेट करने लगा। पर जब उस लड़की को पता चला कि हितेश के पास तो छोटा दिमाग ही नहीं है तो उसने हितेश का साथ देना छोड़ दिया। और यही घटना हितेश के साथ 2-3 बार हुई। जब भी किसी लड़की को पता चलता कि हितेश के पास छोटा दिमाग ही नहीं है तो वो हितेश का साथ देना छोड़ देती थी। हितेश बहुत सारे डॉक्टर के पास गया पर कोई भी डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। अब हितेश अंदर से टूट चुका था और अपने आप को कोस रहा था, पर हितेश ने कभी हार नहीं मानी। हितेश एक दिन रात को यूट्यूब पर वीडियोज देख रहा था और गलती से ढिंचक पूजा का एक गाना शुरू हो गया और वो गाना था ये, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर आ आ, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर आ आ, मुस्काना है कोई शूटर, दिलों का शूटर आ। फिर तो मानो गजब ही हो गया। हितेश के दिमाग की सारी नसें तेजी से विकसित होने लगी, यहाँ तक कि उसका छोटा दिमाग भी बड़ी तेजी से ग्रो करने लगा। पूरा मेडिकल साइंस शॉक हो गया कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। हितेश को टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना सारा ज्ञान आने लगा कि दुनिया के टॉप 5 जीनियसों में उसको शामिल किया गया। यहाँ तक कि नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट हितेश का इंटरव्यू लेने आए, पर हितेश का IQ इतना हाई हो गया था कि उन्होंने हितेश को नासा ज्वाइन करने की सलाह दी और हितेश निकल गया नासा की ओर। पर नासा पहुँचने के बाद हितेश को लगा कि यहाँ ढिंचक पूजा की दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए उन्होंने नासा छोड़कर इंडिया वापस आने का फैसला किया और अपना IQ इससे भी ज्यादा हाई करने के लिए ओम प्रकाश मिश्रा के गाने सुनने लगा। जब हितेश कॉलेज जाने लगा तो उसने देखा कि यहाँ हर एक बंदे की गर्लफ्रेंड आईफोन 10 जैसे बड़े महंगे मोबाइल मांगकर उसे टॉर्चर कर रही थी, तो उस लड़कों के प्रति कुछ अच्छा करने की इच्छा जागृत हुई और आईफोन 10 खरीदने वाले मूर्ख आईफोन 10 घंटा जैसे वीडियोज बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया और ये देखकर हर एक लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से आईफोन 10 मांगना बंद कर दिया और यहाँ हितेश लड़कों का मसीहा बनकर आया। और इतना ही नहीं, अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए UC न्यूज घंटा जैसे वीडियोस बनाए ताकि अपनी आर्मी का डेटा चाइना वालों तक ना पहुंचे। हितेश के पास टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारा ज्ञान था और ये ज्ञान हम सबको बांटने के लिए उसने YouTube ज्वाइन कर लिया। आज हितेश के पास 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। आज हितेश जो भी है वो अपनी पैशन और ढिंचक पूजा के गाने की वजह से है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। तो खैर आज के लिए इतना यार, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करो, शेयर करो, हैं ये क्या बोल गया मैं। और हितेश भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ऑफेंड मत होना, सिर्फ मजाक के लिए बनाया था और हो सके तो यार कमेंट जरूर कर देना प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिग फैन। तो मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बूम।